हर आदमी कोरोना पर ज्ञान दे रहा है, कोई हाथ धुलवा रहा है, कोई मास्क लगवा रहा है, कोई कह रहा है कि मुंह पर गाय का गोबर लगाइए, कोई गौमूत्र को कोरोना का रामबाण बता रहा है। तो हम भी आपके लिए गौमूत्र ले आए। अब ज्ञान देने वाले लोग ये गौमूत्र पीते हैं या नहीं, ये हम दिखाते हैं आपको। आइए मेरे साथ। गौमूत्र और गाय का गोबर, ये इलाज है कोरोना वायरस का? जी हाँ, मैं अखिल भारतीय गौ रक्षा महासंघ का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मानते हैं कि गौमूत्र और गोबर से बेहतर जो है कोई इलाज नहीं। जी हम आपके लिए लेकर आए हैं, देखिए गौमूत्र, और यही हम चाहते हैं कि इसके ज्यादा नहीं, सिर्फ चार बूंद, चार घूंट इसके पी लीजिए और लोगों को बताइए, खुद भी बचिए कोरोना वायरस से और लोगों को भी बचाइए नेताजी। हाँ। ये लीजिए, आपको पीना है नेताजी, क्योंकि इससे लोगों को थोड़ा संदेश देना है। पिला रहे हैं ना? हम पिला रहे हैं। ज्ञान तो हर कोई देता है। गिलास ले आइए। गिलास नहीं, दो घूंट पी लीजिए इसी से। गिलास ले आइए, गिलास में हम पानी डालेंगे, पानी के साथ डालकर मतलब होंगे पियेंगे हम। गौमूत्र पीने में क्या बुराई? लीजिए। नहीं नहीं, अरे सब हम धो लेंगे। अरे गौमूत्र तो दवा है। कार्यालय में चलिए, वहाँ लोग पियेंगे। हाँ, चलिए भाजपा कार्यालय। बिल्कुल, आप चलिए। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो आप बताइए कि गौमूत्र से इलाज संभव है कि नहीं? नहीं, अब ये तो बताना क्या, अनुसंधान का विषय है, पहले तो प्रयोग किया जाना चाहिए, उसके बाद करना चाहिए। अच्छा, आपने कभी गौमूत्र का सेवन किया है? नहीं, हमने किया क्यों नहीं, बिल्कुल किया है। आपके लिए गौमूत्र लेकर आए हैं, तो एक बार पूछ लेते हैं कि आप जो है लोगों को शिक्षा दे, ज्ञान दे कि लोग कम से कम गौमूत्र पिए, नहीं तो लोग कहते हैं कि भैया गाय के पेशाब को लोग छूते नहीं है। हैं, जब तक एक बैग पकड़ लो भैया हमारा। हाँ, थैंक यू। गौमूत्र के पेशाब, गाय के पेशाब को लोग छूते नहीं है, बड़ा परेशान रहते हैं, तो आप कम से कम बताएंगे तो लोग समझेंगे। दो बूंद माने कि ये गौमूत्र ही है? गौमूत्र है, विश्वास कीजिए। पतंजलि राम बाबा पर, रामदेव बाबा पर विश्वास नहीं, हम आपके कहने से थोड़ी मान लेंगे। रामदेव पर विश्वास नहीं, विश्वास की बात सब कोई अलग बात है, लेकिन हम आपके क्यों कमाल लगे गौमूत्र ही है ये? भाग क्यों रहे हैं, समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हुआ। ये लीजिए गौमूत्र। नहीं तो हम पी चुके हैं आज मैडम, आज फिर पी लीजिए। नहीं, सुबह हमने पिया है। एक बार हम योग करते, प्रसाद है, पीजिए। बस क्या बात है, बहुत बढ़िया। गौमूत्र दे रहे हैं लोगों को, आप पियेंगे? बहुत शुद्ध गौमूत्र है नेता जी, क्यों मना कर दिया? नहीं मना किए, चलिए गौमूत्र पिया जाएगा, गौमूत्र है। तमाम बीमारियों से बचाता है ये गौमूत्र, इसीलिए इसको हर बीमारी का रामबाण बताया जाता है। नेता जी आप भी एक बार पीकर देखिए। एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से लिया जाए। सही बात, रामदेव बाबा का गौमूत्र। गौमूत्र, हाँ ये लीजिए, आप लोग भी प्रसाद लीजिए। प्रसाद लीजिए, प्रसाद दे रहे तो अच्छा, आप ले लीजिए, प्रसाद लेंगे, लेना ही नहीं चाहते। अच्छा आप ले लीजिए, पर हाथ में छिड़क लीजिएगा, छिड़क लीजिएगा। क्या है, छिड़क लगा चुके हैं हम, ले चुके हैं इसको। गौमूत्र का सेवन करने से और गाय का गोबर का लेप लगाने से शरीर पर किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती, इस बात से आप इत्तेफाक रखते हो कि नहीं? देखिए, जहाँ तक कि मेरे को लगता है कि मैं बिल्कुल सच है कि गाय के गौमूत्र से काफी कुछ जो है बीमारियाँ दूर होने का संभव है। मतलब आपने एक्सपीरियंस किया है ऐसा? बोल दीजिए कैमरे को, हमने एक्सपीरियंस किया है ऐसा। जी हाँ जी, बिल्कुल जो है मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। सिर्फ आपके पर्सनल एक्सपीरियंस को एक और एक्सपीरियंस बनाने के लिए हम अपने साथ में गौमूत्र लेकर आए हैं। कहे कि आप लोगों का ख्याल रखना होता है, तो ये गौमूत्र है हमारे पास में, ये गौमूत्र है, आप इसकी बस चार बूंद पी लीजिए। देखिए पीने, ये तो पकड़ तो लीजिए। मैं बिल्कुल पकड़ सकता हूँ। आप दो चार बार ऐसे हाथ में लेके ऐसे ऐसे खुद पर छिड़क लीजिए, कुछ नहीं, इतना ही करके दिखा दीजिए, आप तो एक्सपीरियंस कर चुके। देखिए दिखा दीजिए, आप ये करके दिखाएं। ये करके नहीं दिखा रहा, अभी मैं जो है किस मूड से आया था मैं। अच्छा, इसके लिए मूड होता है क्या? इसके लिए मूड होता है? मूड नहीं होता, ये जो चीज मैंने आपसे बताया। करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा चलिए, बता दीजिए कैमरे को, आपने एक्सपीरियंस। ये मैं ये नहीं कर सकता हूँ, नो थैंक यू, नो कमेंट सर। किया था नहीं किया था, सच्ची अच्छी बता दो कैमरा। बिल्कुल किया हुआ था। मैं दोबारा कर दो, तो दोबारा कर दो। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं नहीं कर सकता इसको पब्लिक पे। करना चाहिए मैडम, करना।
बीमारियों के इलाज के लिए कर रहे थे, गौमूत्र और गाय का गोबर रामबाण है, आप ऐसे कितना सच मानते हैं? देखिए नहीं, ये देखिए न इसको विज्ञान की पद्धति मानती है, ये अगर इस तरीके की कोई बात करता है तो वो अपनी पद्धति को जा करके समझे पहले। क्या क्या बोल रहे मैम? ये तो सारी आयुर्वेदिक चीजें हैं, इनको कुछ नहीं पता, इनको कुछ नहीं पता। अभी हाँ नहीं, वैज्ञानिक पद्धति की आप बात कर रहे हैं, आई नो नहीं वैज्ञानिक, भाई नौजवान हूँ, मुझसे ज्यादा वैज्ञानिक पद्धति क्या कौन जानेगा। तमाम लोग गाय के पेशाब छूने से कहते कचकचाते हैं, बताइए। मैम ये तो गलत बात है, गाय के वो जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है, गाय के अंदर सभी देवी देवता निवास करते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप जवाब रुकिए यहीं पर। ये बताइए गाय का दूध क्यों लोग पीते हैं? अगर उसको छुआछूत माना जाए तो उसका दूध नहीं पीना चाहिए। गाय का दूध इसीलिए शुद्ध माना गया है कि बच्चे पैदा होते तो गाय का ही दूध पिया। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, क्योंकि गाय शुद्ध शाकाहारी है और उसमें जो उसके दूध में है विटामिन ए मिलता है। गौमूत्र और गौमूत्र से भी गौमूत्र भी है। गौमूत्र ये लेकर आए हैं, पतंजलि का प्योर गौमूत्र है, ये आप ही के लिए लाए हैं, देसी गाय की। अच्छा बाबा ने कह दिया ये जरूरी नहीं कि गौमूत्र उनका शुद्ध हो। इन लोगों को दिखा तो दीजिए कि आप गौमूत्र, आप युवा है, हमारी जननी है भैया, फिल्टर्ड वाटर है ये तो। जरूरी है ये बात कि आप गौमूत्र को फिल्टर वाटर माने। आप लोग भी लीजिए प्रसाद, प्रसाद लीजिए, आप लोग भी प्रसाद। हो गया मैडम, हो गया। अरे नहीं हो गया, नहीं गौमूत्र है। ये अभी तो हो सकता है आप कोरोना वायरस डाल दीजिए, आप चलिए आप लीजिए। नहीं गौमूत्र पीने से जो है वायरस हो गया। बार में 1 लीटर गौमूत्र और 2.5 लीटर दूध एक बार में एक सांस में पी सकता हूँ, परंतु प्रूफ होना चाहिए कि गौमूत्र है कि कुछ और है। पीकर बता दीजिए, छूकर, आपको तो अनुभव है, छूकर बता। नहीं नहीं ऐसा जादू चमत्कार, हाथ में छू ले, हाथ में गौमूत्र गिरना नहीं चाहिए, यही कोरोना वायरस का यही इलाज है, ऐसा बचाव करना चाहिए। सब चीज गिरना नहीं चाहिए, गौमूत्र हाथ में ले लीजिए। ये भाग रहा है गौमूत्र देखकर, भाग। चलिए आप लोग प्रसाद देंगे। अरे नहीं, अरे हम लिए हैं पी चुके हैं, आप ले लीजिए एक बार प्रसाद। जैसे हम इसको कैसे जानेंगे गौमूत्र है? मूत्र ही है गौमूत्र। अरे पी के देखा है, पी के देखा इन्होंने, मूत्र पी कर देखा है। पहले आपने कभी पिया था इसका? नहीं हम तो नहीं पियेंगे। नहीं नहीं भाई हम तो नहीं। चलिए गौमूत्र हमको रहने दीजिए, मान जी मत पिलाई। अरे पी के तो देख। नहीं नहीं मत पिलाई भाई, मत पिलाई। अब हमारे पास गौमूत्र की इतनी सी बूंदे बची हैं, अब इसको भी देखते हैं वहाँ पर कि कुछ लोग बैठे हैं, ये लोग पीते हैं कि नहीं पीते हैं। और पीकर बताइए कैसा लगा? ठीक लगा। गौमूत्र का स्वाद कैसा था? गौमूत्र जैसा ही था। पक्का? और क्या, गौमूत्र था ये जी। बिस्लेरी पानी था ये नेताजी? नेताजी ये बिस्लेरी पानी नहीं है, बिस्लेरी पानी के अंदर हल्दी हमने अपने हाथों से मिलाई है नेताजी। तो भाजपा कार्यालय के अंदर आ गए हैं, घूम घूम करके सबसे जानने की कोशिश करी कि गौमूत्र पीने से कोरोना वायरस खत्म होगा कि नहीं होगा, और लोग जो ज्ञान देते हैं, ज्ञान की गंगा बहाते रहते हैं, वो गौमूत्र गिर गया। तो लोगों ने बड़ा अचकचाते हुए लेकिन कोशिश करी पीने की, और पिया भी कई लोग, तो बिल्कुल फुल टूर जैसे ये माशा तो भाग लिए। भागे क्यों थे? ऐसे नहीं, हमको नहीं छूना चाहते थे, खैर कोई बात नहीं। तमाम लोगों से बात कर दी, आज गौमूत्र की परीक्षा थी लोगों की कि लोग इस पर पास होते हैं कि नहीं। आपने खुद देखा कि लोग कितने कठिन परिश्रम के बाद इस परीक्षा में पास नहीं हो पाए। खैर कोरोना वायरस से बचाव है, सतर्कता रखिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए, एक दूसरे से दूरी बनाइए, और किसी प्रकार की बाहर भीड़ भाड़ वाली जगह पे मत जाइए। गौमूत्र का क्या हुआ वो आपको पता चल गया। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई बात के साथ, एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए कटिंग शायद। आइए मेरे साथ, गौमूत्र नहीं था।